बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक सुंदर झील थी जिसमें बहुत सी मछलियाँ, केकड़े, मगरमच्छ और अन्य प्राणी रहते थे। झील के निकट ही एक चालाक बगुला रहता था। झील की मछलियाँ और केकड़े ही उसका भोजन थे, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था और उसमें शिकार करने का दम और हौसला नहीं बचा था। एक दिन उसने मछलियों और केकड़ों का शिकार करने की एक तरकीब सोच निकाली। अगले ही दिन उसने झील के तट पर पहुंचकर घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिया। उसे रोते देखकर झील में तैर रहे मछलियों को हैरानी हुई। कुछ मछलियों ने उत्सुकतावश उसके पास आकर पूछा, बगुला काका, बगुला काका, क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? किस बात ने तुम्हें इतनी दुखी कर दिया है? इतनी सारी मछलियों को पास देखकर बगुले का दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर दिल के भावों को प्रकट नहीं होने दिया। वह बड़ी दुखी आवाज में बोला, आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी न देख सकूँगा। क्यों, क्या हो गया? एक मछली ने पूछा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जब चाहो हमसे मिलने यहाँ आ सकते हो। आज सुबह मेरी एक ज्योतिषी से मुलाकात हो गई। उसने मुझे बताया कि यह झील जल्दी ही सूख जाएगी और इसमें रहने वाले सभी प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख के मारे मेरा गला भरा हुआ है और उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा, बगुला बोला। बगुले की बात सुनकर सभी मछलियाँ बहुत घबराई। उन्होंने तुरंत डुबकी मारी और अपनी रानी के पास जा पहुँची। एक ही सांस में उन्होंने रानी को बगुले द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। उनकी बातें सुनकर रानी भी परेशान हो गई और इस समस्या का हल सोचने लगी। तभी एक मछली ने उसे सलाह दी, मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा कि इस मामले में हम बगुला काका से ही मशवरा कर लें। वे बड़े हैं और उन्होंने दुनिया देखी है, वे जरूर इस मसले का कोई हल निकालेंगे। रानी को भी उस मछली की बात पसंद आई। वह तुरंत सभी मछलियों को साथ लेकर झील के तट पर जा पहुंची, जहां बगुला बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। रानी ने उससे कहा, मछलियों ने मुझे वह सब कुछ बता दिया है जो आपने उनसे कहा था। ज्योतिषी की बात वाकई बहुत ही चिंताजनक है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। क्या आप हमें इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता बता सकते हैं? इतनी सारी मछलियों को पास देखकर बगुले की लार टपकने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को काबू में किया और विचार मग्न होने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आँखें खोली और बड़ी संजीदगी से रानी मछली से बोला, आप लोगों को बचाने की एक तरकीब मेरे दिमाग में आई है। इस जंगल के किनारे एक विशाल नीली झील है। मैं एक एक करके आप सबको वहाँ ले चलूँगा, लेकिन यह तरकीब तभी कामयाब हो सकती है जब आप लोग मुझ पर भरोसा करें। इस काम में कई दिन लगेंगे, इसलिए आप सबको धीरज रखना पड़ेगा। हमें आप पर पूरी तरह विश्वास है बगुला काका, तभी तो हम यहाँ आई हैं। हम सबका जीवन आपके हवाले है, आप ही हमें इस मुसीबत से बचाइए, रानी मछली ने तुरंत कहा। तब तो तुम लोग बिल्कुल चिंता न करो, बगुला अपनी खुशी छिपाता हुआ बोला, तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा मैं अपने सिर लेता हूँ। कल से मैं तुम सबको एक एक करके उस झील में ले जाना शुरू कर दूँगा। तुम लोग आपस में तय कर लो कि कौन मछली पहले चलेगी। अगले दिन सुबह ही झील की सारी मछलियाँ तट पर आ पहुँची।
रानी मछली पहले दिन जा रही मछली को विदा करती हुई बोली, गुंजा तनिक भी चिंता न करना, बगुला काका के साथ बेफिक्र होकर जाओ, जल्दी ही काका तुम्हारी सहेलियों को भी वहां ले आएंगे। बगुला गुंजा को लेकर चला तो, लेकिन वह उसे दूसरी झील की बजाय एक चट्टान पर ले गया। गुंजा कुछ समझ पाती इसके पहले ही वह उसे चीर फाड़ कर खा गया। इसके बाद वह झील पर लौट आया। मछलियों को उसने यही बताया कि उसने गुंजा को दूसरी झील में छोड़ दिया है। अगली सुबह वह दूसरी मछली को लेकर चल पड़ा। उसके साथ भी वही हुआ। अब बगुला रोज यही करता। एक दिन एक होशियार केकड़ा बगुले के पास जाकर बोला, काका मुझे भी इस झील से ले चलिए ना, मैं मरना नहीं चाहता। बगुले ने सोचा, मछली खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों न मुँह का स्वाद बदल लिया जाए। यह सोचकर उसने केकड़े को अपने पीठ पर बैठा लिया और उड़ चला। काफ़ी देर उड़ने के बाद बगुला उसी चट्टान पर उतरने लगा। केकड़े ने बड़ी हैरानी से इधर उधर देखा। उसे झील तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र चट्टान पर पड़ी मछलियों की हड्डियों पर पड़ी। उन हड्डियों को देखते ही वह उस बदमाश बगुले की सारी मक्कारी समझ गया। वह तुरंत लपक कर बगुले की गर्दन पर जा चढ़ा और चिल्लाया, मक्कार बगुले, तूने हमारे साथ छल किया है। मछलियों का जीवन बचाने के बहाने तूने उन्हें इस चट्टान पर लाकर मार डाला। आज मैं तुझे अपनी किसी और मछली बहन को खाने के लिए जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए केकड़ा पूरी ताकत से बगुले की गर्दन मरोड़ने लगा। बगुले ने केकड़े की पकड़ से अपनी गर्दन छुड़ाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह कामयाब न हो सका। थोड़ी ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। केकड़े ने बगुले की गर्दन काट दी और वह गर्दन लेकर वापस किसी तरह रेंगता हुआ अपनी झील पर जा पहुंचा। जब उसने मछलियों को बगुले की मक्कारी की सारी बात बताई तो वे हैरान रह गई। उन्हें अपनी साथी मछलियों के मरने का बहुत दुख था, लेकिन यह खुशी भी थी कि केकड़े की होशियार के कारण उनकी जान बच गई। शिक्षा: भक्षक रक्षक नहीं हो सकता, हमें मक्कारों से सावधान रहना चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भक्षक कभी भी रक्षक नहीं हो सकता, हमें मक्कारों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद। आशा करते हैं कि होशियार केकड़ा कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे ऐसे ही और कहानियों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।